हाय एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी गेट 2007। आज हेयर टोटल फोर क्वेश्चन आर देयर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वन क्वेश्चन फ्रॉम इन वन मार्क्स। ओके, ओनली वन क्वेश्चन इन वन मार्क्स एंड रेस्ट थ्री आर टू मार्क्स, टू इंटू थ्री सिक्स, टोटल सेवन मार्क्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्स जेड इक्वल टू सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू, सी वन कॉमा सी टू ग्रेटर देन जीरो, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू थ्री, टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू लेस देन इक्वल टू फोर, एक्स वन कॉमा एक्स टू ग्रेटर देन जीरो। देन क्या बोल रहे हैं, द प्राइमल हैज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन बट dual does not have an optimal solution. This one false, because we know that if a primal problem has optimal solution, then dual must have optimal solution. Okay, this is a if and only if condition. If a primal problem have optimal solution, then dual must have optimal solution. Or agar dual mein optimal solution hai, तो ऑप्टिमल में भी, प्राइमल में भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। सो फर्स्ट वाला इसी से डिस्कार्ड हो रहा है। अब देखिए सेकंड में, बोथ द प्राइमल एंड डुअल हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। अब वो तो चेक करना पड़ेगा कि ऑप्टिमल प्राइमल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको हम इससे डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ओके, बोथ द प्राइमल एंड डुअल हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अब उसके लिए चेक करना पड़ेगा। सो इसको रखते हैं अभी। चलिए सी दैट ऑप्टिमल सोल्यू, द डुअल हैज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन बट द प्राइमल डज नॉट हैव एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये भी फॉल्स है, बिकॉज मैंने क्या बोला कि अगर प्राइमल एंड डुअल बोथ, प्राइमल में अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो डुअल में भी ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा, और अगर डुअल में ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल रहा है तो प्राइमल में भी मिलेगा, बिकॉज दिस इज if and only if condition. Okay, so option C also false. चलिए option D, neither the primal nor the dual have optimal solution. So इसके लिए भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पहले देखना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा इसको, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। B एंड D के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ दिस प्राइमल प्रॉब्लम। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, हाँ, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ दिस प्राइमल प्रॉब्लम। प्राइमल का पॉइंट निकालिए। फर्स्ट वन का पॉइंट्स क्या होगा, व्हेन एक्स वन जीरो एक्स टू इक्वल टू थ्री, एंड व्हेन एक्स टू जीरो एक्स वन इक्वल टू थ्री, एंड व्हाट इज द पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन नंबर टू, व्हेन एक्स वन जीरो एक्स टू इक्वल टू फोर बाई थ्री। ओके, व्हेन एक्स वन जीरो एक्स टू इक्वल टू फोर बाई थ्री, एंड व्हेन एक्स टू जीरो एक्स वन इक्वल टू फोर बाई टू, दैट मीन्स टू। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम। नाउ पुट दिस पॉइंट इन टू ग्राफ। ओके, सो चलिए मैंने यहाँ पे पहले से ग्राफ ड्रॉ करके रखे पॉइंट के हिसाब से। ओके, नाउ पुट दिस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था मेरा, चलिए क्या था, 0.3 आई थिंक ना, यस 0.3 एंड 3.0। सो पुट दिस पॉइंट 0.3 इज दिस, यस 0.3 इज दिस, दिस इज 0.3, एंड 3.0 इज दिस, दिस वन इज 3.0, एंड व्हाट इज द इनइक्वालिटी हेयर, लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स ओरिजिन की तरफ आपको नहीं मिलेगा, एक्स वन है एक्स टू है। ओके, हेयर इनइक्वालिटी जीरो, इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन है, ओ एस ओरिजिन की तरफ मिलेगा। अगर एक्स वन एक्स टू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू थ्री, दिस इज राइट, जीरो थ्री से कम ही है, मतलब इस तरफ आपको
इसका रीजन इस तरफ मिलेगा, ऑरिजिन की तरफ. नाउ व्हाट इज द पॉइंट्स ऑफ टू, 0.4/3 एंड 2.0. 4/3 मीन्स 1.3. यस 1.3 समथिंग. सो 1.3 इज दिस 0.4/3. दिस वन इज 0.4/3 एंड 2.0 इज दिस. जॉइन देयर, जॉइन दिस पॉइंट्स. नाउ व्हाट इज द रीजन हेयर ऑल्सो, सी 2x1 + 3x2 < 4. सो इफ यू पुट x1 x2 = 0 देन 0 < 4 मतलब सही है. सो इन दिस केस, इन दिस लाइन हेयर ऑल्सो ओरिजिन की तरफ ही आपको इसका रीजन मिलेगा, मतलब कॉमन रीजन, कॉमन रीजन ये आ गया. एक हो गया 0.4/3, एक हो गया 0.0 एंड एक हो गया 2.0. ओके तो आप देखिए यहाँ पर कि इसमें कॉमन रीजन आ रहा है, मतलब ये फिजिबल रीजन आ रहा है एक. ठीक है, अगर फिजिबल रीजन आ रहा है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो देगा ही देगा. ओके यहाँ पे बोल दिया है C1 and C2 > 0, मतलब C1 C2 तो लेस देन होगा ही नहीं, और मतलब ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देगा ये. ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑल द पॉइंट्स आर पॉजिटिव एंड C1 and C2 ऑल्सो पॉजिटिव हेयर. सो इफ यू पुट दिस पॉइंट्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन यू मस्ट हैव वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू. सो दिस गिव्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ओके नाउ फाइंड इज डुअल, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है कि बोथ प्राइमल एंड डुअल हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन. प्राइमल तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे दिया, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं नेदर प्राइमर प्राइमल एंड नॉर डुअल हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन. आप देखिए यहाँ पे एक का एक चेक करने से ही आ गया मेरा, ये तो डिस्कार्ड वैसे ही हो गया, मतलब ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया वैसे ही. फिर भी आप चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेदर द प्राइमल नॉर द डुअल हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोला है, बट यहाँ पे देखिए आप कि प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया आपको, और ए एंड सी तो स्टेटमेंट से ही फॉल्स हो गया है, मतलब और यहाँ पे ऑप्शन डी भी फॉल्स हो गया, मतलब डुअल निकालने का तरीका मतलब ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, वैसे ही करेक्ट हो जा रहा है ऑप्शन बी. फिर भी हम चेक करेंगे. ठीक है चलिए चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं. डुअल निकालिए इसको, इसका डुअल क्या होगा, इसको इरेज कर देते हैं, आसानी होगी. ओके चलिए यस डुअल निकलते हैं. यहाँ पे देखिए मैक्स है और सारे के सारे लेस देन है, मतलब मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, मैं यहाँ पे डुअल का जो कंडीशंस है, मैक्स है तो मीन होगा, और मैक्स में लेस देन होता है यहाँ पे तो गिवन है, सो मिनिमम में ग्रेटर देन होता है. चलिए करते हैं, मैक्स है तो मीन होगा, मीन z = 3 हेयर 3w1 + 4w2. बहुत डिस्टर्ब कर रहा है तो चलिए 4w2. ओके क्यों रहा है ये, सॉरी अब चलिए सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट क्या होगा, इस तरफ जाएगा और हम लिखेंगे किस तरफ, एज ए रो वाइज. ठीक है, तो w1 + 2w2 मिनिमम में ग्रेटर देन होता है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोफिशिएंट x1 का कोफिशिएंट c1 दिस वन. नाउ यहाँ पे देखिए x2. ओके सो w1 + 3w2 > x2 का कोफिशिएंट c2 है, c2 एंड w1 , w2 > 0.
मिल गया, डुअल तो हो गया। अब चलिए फाइंड कीजिए, इसको प्लेस कीजिए ग्राफ में। व्हेन डब्ल्यू वन जीरो, डब्ल्यू टू इक्वल टू सी वन बाई टू, पुट दिस पॉइंट इन ग्राफ। चलिए ग्राफ में इसको प्लेस करते हैं। ओके ठीक है, ग्राफ में इसको प्लेस कीजिए। व्हेन डब्ल्यू वन इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू टू इक्वल टू सी वन बाई टू। सी वन बाई टू, सपोज सी वन इज दिस एंड सी टू इज दिस, तो सी वन बाई टू कितना हो जाएगा, सी वन का हाफ दैट मीन्स हेयर। ओके एंड दिस वन इज जीरो कॉमा सी वन बाई टू। एंड व्हेन डब्ल्यू टू जीरो, डब्ल्यू वन इक्वल टू सी वन, मतलब हेयर सी वन, सी वन कॉमा जीरो। ज्वाइन कीजिए इन दोनों को, ये हो गया लाइन। अब इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है, जीरो जीरो पुट करेंगे तो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी वन, जीरो सी वन से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि सी वन, सी वन एंड सी टू देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा है। मतलब ओरिजिन की तरफ इसका रीजन नहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा। ठीक है, अब चलिए सेकेंड लाइन। सेकेंड में क्या बोल रहा है, व्हेन डब्ल्यू वन इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू टू इक्वल टू सी टू बाई थ्री, सी टू बाई थ्री इज देयर एंड दिस वन इज सी टू, सो सी टू बाई थ्री और भी नीचे मिलेगा आपको। चलिए एक पॉइंट मान लेते हैं, हेयर सी टू बाई थ्री इज देयर हेयर। ओके जीरो कॉमा सी टू बाई थ्री एंड व्हेन डब्ल्यू टू जीरो, डब्ल्यू वन इक्वल टू सी टू, दिस वन इज सी टू। ज्वाइन दिस लाइन, सो इसका भी इनइक्वालिटी ऊपर की तरफ मिलेगा। ये हो गया आपका फिजिबल रीजन। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या मिल गया, एक हो गया ये पॉइंट जीरो कोमा सी टू बाई थ्री, एक हो गया ये पॉइंट सी टू कोमा जीरो। मिनिमम पूछा है तो मिनिमम मिल गया, मिल जाएगा आपको। ठीक है, इन दोनों पॉइंट में से चेक करके देख लीजिए, सी टू, सी टू कोमा जीरो एंड सी टू बाई थ्री। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसको अगर पुट करेंगे तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ओके सो ऑप्शन बी करेक्ट, इन बोथ प्राइमल एंड डुअल हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्स जेड इक्वल टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री प्लस फोर एक्स फोर, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिस, ए एक्स वन प्लस टू एक्स थ्री लेस देन इक्वल टू वन एंड एक्स वन प्लस ए एक्स टू प्लस थ्री एक्स फोर लेस देन इक्वल टू टू एंड लेट एस इक्वल टू दिस, ए बिलोंग्स टू आर, द गिवन एल पी प्रॉब्लम हैज अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, देन एस का रीजन क्या है, मतलब क्या होगा एस सेट क्या होगा। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको, अगर आप सिंपलेक्स टेबल से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर डुअल निकाल लीजिए और डुअल निकालने के बाद उसको ग्राफिकल मेथड में सॉल्व कर लीजिए। सो जो आपको सही रहे, आसान रहेगा वो आप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे जो सबसे आसान लगता है डुअल, ठीक है, क्योंकि सिंपलेक्स में फिर टेबल बनाना मतलब वो थोड़ा सा मतलब लेंदी प्रोसेस होता है एक्चुअली। सो मुझे डुअल, इसका डुअल निकाल के फिर उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने में आसान होता है एक्चुअली, एंड ग्राफिकल मेथड इज द इजी मेथड। सो चलिए इसका डुअल निकलते हैं, क्या हो जाएगा, डुअल निकालिए इसको, इसका मैक्स है मीन हो जाएगा, मीन जेड इक्वल टू क्या बन जाएगा, खैर देखिए पहला इक्वेशन है वन मतलब डब्लू वन और दूसरा है टू मतलब टू डब्लू टू। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट क्या बन जाएगा, देखिए इस तरफ होगा, तो पहला इक्वेशन में एक्स वन का कोफिशियंट ए मतलब ए डब्लू वन एंड सेकेंड में कुछ नहीं है मतलब डब्लू टू। मिनिमम है ग्रेटर देन होगा, सॉरी ग्रेटर देन होगा, ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू
क्या होगा, एक्स वन का कोफिशियंट तो 1 है, ठीक। क्या एक्स वन का कोफिशियंट 1 है, 1, ठीक। थोड़ा सा 1 एंड सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, सेकेंड कॉन्स्टेंट क्या है, सेकेंड क्या है, एक्स वन का कोफिशियंट, सॉरी फर्स्ट में देखिए एक्स टू नहीं है, लेकिन टू में, इक्वेशन टू में एक्स टू है, मतलब ए डब्लू टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स टू का कोफिशियंट 2। उसके बाद देखिए एक्स थ्री का कोफिशियंट 2W1 प्लस, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए कि एक्स थ्री नहीं है, मतलब 2X1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स थ्री का कोफिशियंट 3। उसके बाद देखिए फर्स्ट वन में X4 नहीं है, सेकेंड वन में X4 है, मतलब 3W2 हो जाएगा, 3W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू X4 का कोफिशियंट 4, ओके। एंड W1, W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से, पॉइंट्स निकालिए, इसका पॉइंट्स क्या बन जाएगा, वैन W1 इक्वल टू 0, W2 इक्वल टू 1, तो 0,1 पहले पुट कीजिए, 0,1 पुट कीजिए पहले, ओके, विजिबल दिस, चलिए तो 0,1 दिस वन इज 0,1 एंड व्हेन W2 0, W1 इक्वल टू 1/a, 1/a माने मतलब 1 से कम होगा, मतलब हेयर 1/a। अब ज्वाइन कीजिए इन दोनों को, मैं ले लेता हूँ लाइन, ले लेता हूँ मैं एक, चलिए मैं यहाँ पर ए, ठीक है, प्लेस करते हैं अच्छे से इसको, अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है आप समझ लीजिए, ठीक। चलिए अब ठीक है, हाँ अब प्रॉपर है। अब सेकंड लाइन क्या बोल रहा है, सेकंड में क्या बोल रहा है, देखिए ए डब्ल्यू टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स W2 इक्वल टू 2/a, 2/a मतलब 2 से कम होगा, ओके। ये वाला पॉइंट कितना था, 1/1/a,0, ओके। एंड W2 इक्वल टू 2/a, 2/a दिस वन इज 2/a, लाइन एक लाइन ड्रॉ कीजिए,
ये हो जाएगा आपका लाइन, ठीक है। चलिए अब ये हो गया कितना 0, ड्रॉ 0.2/a। ओके, इसका रीजन किस तरफ होगा? पहला वाला का रीजन ग्रेटर देन था ना, तो ये हो जाएगा आपका 0.0 अगर पुट करेंगे तो इस तरफ रीजन मिलेगा इसको, इसका है ना। देखिए अगर आप W1 W2 = 0 पुट करेंगे, 0 > 1 मतलब ओरिजिन की तरफ इसका नहीं मिलेगा, इस तरफ मिलेगा, ठीक इस तरफ इसका मिलेगा। और इसका इसको भी W2 = 0 पुट कीजिए तो ओरिजिन की तरफ तो नहीं होगा, 2 से बड़ा होता है क्या 0, मतलब इस तरफ मिलेगा इसका रीजन। अब थर्ड में देखिए W1 = 3/2, 3/2 मीन्स 1.5, ओके 1.5 इज हेयर, दिस इज 1 एंड दिस इज 1.5, मतलब इस तरफ एक लाइन होगा, एक लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा चलिए ठीक है। हाँ अब इसका रीजन किस तरफ होगा? इसका रीजन हो जाएगा इस तरफ, ओके, और ये हो जाएगा आपका 3/2 0 दिस पॉइंट, एंड W2 = 4/3 दैट मीन्स 1.3 इज दिस हेयर, ओके। एक और लेना पड़ेगा लाइन, लीजिए ये, ठीक है। हाँ अब इसका रीजन किस तरफ होगा? इसका रीजन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, इसका रीजन भी इस तरफ मिलेगा, मतलब कॉमन रीजन ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, ओके। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है मेरा, मान लीजिए इसको पी, तो ये वाला लाइन है 2/a और ये है 3/2, दैट मीन्स पी पॉइंट हो जाएगा आपका 3/2 2/a, ओके 3/2 2/a, मतलब इसको अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, इसको अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए z = x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, चलिए देखते हैं। देखिए इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये वाला पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कीजिए तो z = कितना मिलेगा आपको, zp एक हो जाएगा 3/2 + 4/a,
तो यहाँ पे ए का वैल्यू आर दिया हुआ है, सो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर ओके द एल पी पी हैज ए ऑप्टिमल सोल्यूशन। ए का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब ए बिलोंग्स टू आर ओ का मतलब एस इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड वन क्या बोल रहे हैं, देखिए। मैक्स कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्स जेड इक्वल टू कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्स जेड इक्वल टू एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री ओके, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट टू एक्स वन प्लस माइनस थ्री एक्स टू, टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, एंड सेकेंड वन इज थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव, एंड एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देन डू ऑल ऑफ दिस एल पी पी हैज फिजिबल सोल्यूशन बट डज नॉट हैव ए बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, हैज ए बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, हैज नो फिजिबल सोल्यूशन। तो पहले तो आप इसको डुअल में कन्वर्ट कीजिए, डुअल क्या हो जाएगा इसका, डुअल डुअल हो जाएगा आपका, देखिए मिनिमम जेड इक्वल टू थ्री डब्ल्यू वन प्लस फाइव फाइव डब्ल्यू टू, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट हेयर एंड लिखेंगे रो वाइज टू डब्ल्यू वन एंड सेकेंड का प्लस थ्री डब्ल्यू टू हेयर मिनिमम सो ग्रेटर देन इक्वल टू। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखिए एक्स वन का कोएफिशिएंट क्या है वन, अब सेकेंड में देखिए माइनस थ्री डब्ल्यू वन प्लस एक्स टू नहीं है सेकेंड इक्वेशन में, मतलब प्लस नहीं होगा, ठीक ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स टू का कोएफिशिएंट फाइव। अब देखिए थर्ड एक्स थ्री का फाइव फाइव डब्ल्यू वन प्लस टू डब्ल्यू टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स थ्री का कोएफिशिएंट थ्री, एंड डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब पॉइंट निकालिए, फर्स्ट वन का पॉइंट निकालिए और ग्राफ में पुट कर दीजिए क्या हो जाएगा, देखिए चलिए इसका पॉइंट निकालिए इस वाले का, पहले क्या है पॉइंट डब्ल्यू वन जीरो, डब्ल्यू टू क्या हो जाएगा वन बाई थ्री, वन बाई थ्री दिस वन ओके, जीरो कॉमा वन बाई थ्री, एंड पॉइंट डब्ल्यू टू जीरो डब्ल्यू वन इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई टू इज दिस ओके। नाउ जॉइन दिस पॉइंट, ए पॉइंट क्या है वन बाई टू कॉमा जीरो ओके, अब इन दोनों पॉइंट को जॉइन कर लीजिए, ठीक। अगर आप इन दोनों पॉइंट को जॉइन कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, लाइन मिला, ठीक है। और एक ग्रेटर देन है, मतलब अगर आप जीरो जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं मिलेगा, वन से बड़ा तो नहीं है जीरो, सो इसका रीजन इस तरफ मिलेगा, ठीक है, आउटर ऑफ ओरिजिन, आउटर फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए सेकेंड लाइन में क्या है, माइनस थ्री डब्ल्यू टू माइनस थ्री डब्ल्यू वन ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, मतलब डब्ल्यू वन इक्वल टू
माइनस फाइव बाई थ्री, माइनस फाइव बाई थ्री इज दिस फाइव बाई थ्री, दैट मीन्स माइनस फाइव बाई थ्री ना, हाँ ये 1.9 समथिंग आएगा, यस हाँ हेयर दिस वन इज माइनस फाइव बाई थ्री कोमा जीरो, माइनस फाइव बाई थ्री कोमा जीरो, ओके। चलिए इसका भी लाइन ड्रॉ करते हैं, चलिए इसका लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगा इसका लाइन, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ठीक। अब चलिए और क्या पॉइंट है थर्ड वाला का, देखिए डब्ल्यू वन इक्वल वन डब्ल्यू वन जीरो डब्ल्यू टू इक्वल टू, इसका रीजन किस तरफ होगा, इसका रीजन इस वाले का वन डब्ल्यू वन जीरो जीरो इज ग्रेटर देन फाइव, ओके नॉट पॉसिबल, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं मिलेगा, इस तरफ मिलेगा, ठीक है। अब देखिए वन डब्ल्यू वन इस वाले में वन डब्ल्यू वन जीरो डब्ल्यू टू इक्वल टू थ्री बाई टू, थ्री बाई टू दैट मीन्स 1.5, ओके है जीरो कोमा थ्री बाई टू, एंड वन डब्ल्यू टू जीरो डब्ल्यू वन इक्वल टू थ्री बाई फाइव, ओके थ्री बाई फाइव इज हाफ से थोड़ा ज़्यादा, मतलब यहाँ होगा कहीं इस तरफ, ओके थ्री बाई फाइव कोमा जीरो। सो इसका जो रीजन आएगा वो आ जाएगा ऐसा, ओके ग्राफ थोड़ा सा यार बड़ा करना चाहिए था, ये इसका लाइन आ जाएगा, ठीक है समझ लीजिए आप। इसको अगर वो और थोड़ा सा ए कर देंगे और इसका रीजन, इसका रीजन भी जीरो जीरो, मतलब इस तरह आएगा, तो कॉमन रीजन कहाँ पर आ रही है, देखिए एक इसका इस तरह आ रही है और इन दोनों का इस तरह, मतलब देखिए कॉमन रीजन कहीं ओके कॉमन रीजन किस तरह आ रही है, अगर इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे कॉमन रीजन कहीं इधर आ रहा है, मतलब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देगा आपको, ठीक है इनफिजिबल हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ना, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मिलता मुझे कॉमन रीजन तो फिजिबल होता, मतलब फिजिबल रीजन मिलता और ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मिल जाता, बट यहाँ पे देखिए कहीं सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाके मुझे मिल रहा है इसका कॉमन रीजन, ठीक है इसका तो इस तरह है और इसको इन दोनों का इस तरह है, मतलब कॉमन रीजन किस तरह आ रहा है, यही आ रहा है ना कॉमन रीजन, तो ये तो इनफिजिबल हो रहा है, मतलब नो फिजिबल सॉल्यूशन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी फॉल्स हो जाएगा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस वन इज लास्ट ऑफ 2007 का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए क्या बोल रहा है, कुछ नहीं है बहुत ही इजी है, तो देखने में लग रहा है कि कुछ नहीं, देखिए कंसीडर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विथ टू वेयरहाउस एंड टू मार्केट्स,
The warehouse capacities are A1 equal to 2. देखिए A1 equal to 2 and A2 equal to 4 and B1 equal to 3, B1 equal to 3 and B2 equal to 3. Okay. ये आपका, सो देखिए इसको मतलब वेयर हाउस कैपेसिटी A1 इक्वल टू 2 एंड A2 इक्वल टू 4, ए आई है और ए बी जे है, ठीक है. सो अब देखिए क्या बोल रहा है, लेट एक्स एन बी द क्वांटिटी शिफ्ट फ्रॉम वेयर हाउस आई टू मार्केट जे, देन सी एन बी द करेस्पॉन्डिंग यूनिट कॉस्ट. ओके, सी आई जे ये सारे है ना, सी एन इसी को बोल रहा है सी एन. ओके, सी एन बी द करेस्पॉन्डिंग यूनिट कॉस्ट. सपोज दैट सी वन वन इक्वल टू वन, मतलब ये वाला वन, सी टू वन इक्वल टू वन, सी टू वन वन, सी टू टू टू, दिस वन इज टू, देन दिस वन इज टू इज, एंड देन एक्स वन वन, एक्स वन टू, एक्स टू वन, एक्स टू टू इक्वल टू टू जीरो वन थ्री इज ऑप्टिमल फॉर एवरी ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी कौन सा सही होगा. यहाँ पे एलोकेशन भी गिवन है, देखिए 2013, मतलब फर्स्ट वाले के लिए एलोकेशन क्या है मेरा 2, फिर 12 हम अभी नहीं करते, 12 को मैंने सी 12 मान लिया, ठीक है. अब देखिए सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले सी 12 के लिए एलोकेशन क्या है 0, ठीक है, और सी टू एक्स टू वन इसके लिए एलोकेशन क्या है 1, एंड 2 के लिए इसके लिए एलोकेशन 3. सब कुछ गिवन है इसमें, सिर्फ आपको फाइंड करना है सी 12, सी 12 क्या होगा, ठीक है. ये देखिए ये भी है, मतलब सब कुछ सही है, ठीक है. इसमें इसमें टोटल नंबर ऑफ, देखिए रो क्या है, m प्लस n माइनस 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन कितना होगा यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस 1, दैट मीन्स 3, 3 है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन. देखिए सी 11 में हुआ है, सी 12 में हुआ है, सी 21 में हुआ है, सी 23 में हुआ है, तीन जगह पर एलोकेशन हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली 3 जगह पर. ओके, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मिलेगा. यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है 2 1 x 1 1 x 1 2 x 2 1 x 2 2 इक्वल टू 2013 इज ऑप्टिमल फॉर एवरी सी 12 को वैल्यू क्या होगा. अब आप देखिए सी 12 अगर 1 एंड 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे आप रुको एक एक ऑप्शन लेके आपको हम समझा देते हैं, चलिए कोशिश करते हैं समझाने की. चलिए ऑप्शन ए में बोल रहा है, अगर सी 12 बिलोंग्स टू 1,2, ओके, मतलब अगर इफ वी टेक सी 12 इक्वल टू 1, सपोज हम ये ले सकते हैं ना, क्लोज इंटरवल है, मैं ले सकता हूँ ये सी 12 इक्वल टू 1, कोई एक भी पॉइंट अगर यहाँ पे पुट करने से वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, मतलब ये वाला इंटरवल मैं नहीं ले सकता, ठीक है. चलिए तो सी 12 अगर हम 1 ले लेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस रो में देखिए, फर्स्ट रो में देखिए 1 है यहाँ पर, और अगर इसमें भी 1 हो गया सी 12 इक्वल टू, अगर इसमें भी 1 हो गया, ठीक है, या फिर आप 2 ले लीजिए, यहाँ पर 2 ले लीजिए, वो आसान रहेगा. यहाँ पे अगर आप 2 ले लीजिए, ठीक है, 2 ले लीजिएगा यहाँ पे, तो ये तो बड़ा हो गया, बट ये तो यहाँ पे बोल दिया है कि ये जो 1 सी 11 सी 21 एंड सी 23 एलोकेशन फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड. अगर आप इसको ले लीजिएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मतलब आप जब अगर इसको सॉल्व करेंगे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से, या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करेंगे, डिमांड्स ये सारे के सारे जब यहाँ पे असाइन करिएगा, ठीक है, एलोकेशन जब करिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा हो जाएगा, ये तो ठीक है, ठीक है, इन दोनों में से अगर ये बड़ा हो गया तब तो ठीक है, अगर आप ये छोटा ले लेंगे वो, मतलब 1 ले लीजिएगा, तब क्या हो जाएगा, अगर आप इसको
इरेज हो जा भाई, इरेज भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर वन ले लीजिएगा फिर यहाँ पे वन हो जाएगा। इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है? जो मिनिमम है वहीं पे ना आप करेंगे वैल्यू वैल्यू एलोकेट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखिए सबसे मिनिमम तो ये है, तो इस वाले रो में देखिएगा मिनिमम कौन है। यहाँ पे देखिए टू है, 2, 4, 3, 3, मतलब जो मिनिमम है उसी में हम उस रो में देखिए कि इन दोनों इस रो में मिनिमम कौन है। तो यहाँ पे तो दोनों सेम है, मैं यहाँ पे भी कर सकता था ना, यहाँ पे जैसे टू दिया है तो मैं यहाँ पे भी टू दे सकता था। तो ये जो सारे के सारे टेबल जो गिवन है ये सारे सारे चेंज हो जाएगा, मतलब मैं फर्स्ट वाला नहीं ले सकता। ठीक है, अब चलिए सेकंड वाला। सेकंड वाला मैं क्या बोल रहा है, सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, सेकंड वाले में यहाँ पे बोल रहा है 0.3। चलिए ऑप्शन ए तो करेक्ट गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। अब बी में चलिए, सॉरी ओ भाई, बी में क्या है देखिए, ना डिस्टर्बेंस हो रहा है ना ये। हाँ चलिए, C12B में क्या बोल रहा है, C12 इक्वल टू 0.3 क्लोज इंटरवल। अगर आप C12 को 0 ले लीजिएगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट रो में अगर आप C12 को 0 ले सकते हैं ना, क्लोज इंटरवल है, 3 ले लीजिएगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यही मिनिमम रहेगा। अगर आप 0 ले लीजिएगा यहाँ पर C12 इक्वल टू, अगर आप 0 ले लीजिएगा तो ये तो मिनिमम हो गया ना, ये मिनिमम हो गया, मतलब यहाँ पे आप वैल्यू असाइन कर देंगे 2 यहाँ पे कर देंगे तो ये भी आप नहीं ले सकते, समझे। मतलब पूरा जो एलोकेशन है वो सारे के सारे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड वन भी फॉल्स हो गया। अब देखिए थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, C12 बिलोंग्स टू 1.3, यहाँ पे भी नहीं ले सकते। फर्स्ट वाला जैसे किया वही उसी तरह अगर आप C12 इक्वल टू 1 ले लीजिएगा तो सेम जैसे 1-2 किया वही होगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे, अगर देखिए यहाँ पे 2 और 4 है, मतलब दोनों ही 1 से ग्रेटर देन है। ठीक है, मतलब ये वाला तो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, ये वाला फिक्स्ड रहेगा। अगर आप C12 इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो भी 1 से वो बट ग्रेटर है, और 4 पुट करेंगे तो भी 1 से ग्रेटर है, मतलब ये वाला जो टेबल गिवन है ये फिक्स्ड रहेगा, और जो जो एलोकेशन गिवन है क्वेश्चन पे वो भी फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट छोड़ सकते हैं। ओके चलिए, थैंक यू।